हाय, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ जो आप लोग अपलोड करते हो, और मुझे सारी वीडियोस इंटरेस्टिंग और डरावनी भी लगती है। लेकिन मुझे इससे पहले कभी नहीं फील हुआ था तुम लोगों के द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस मुझे इस हद तक डरा देंगे। मैं एक लड़की हूँ और फिलीपींस के एक छोटे से गाँव में रहती हूँ, और यहाँ के लोग बहुत ही अंधविश्वासी हैं। स्पेशली वो लोग जो बूढ़े हैं, मुझे उन सभी अंधविश्वासी चीजों पर यकीन नहीं था, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन वही अंधविश्वासी बातें मेरी जान बचाएंगी। ये घटना मेरे साथ जस्ट 2 महीने पहले घटी, जब मुझे पास के एक स्कूल में एक ट्यूटर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया था। मुझे मैथ का ट्यूटर बने 3 सप्ताह बीत गए थे और मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने ही जा रही थी, तभी मैंने रास्ते में नोटिस किया कि आसपास के लोग मुझे अजीब तरह से घूर रहे हैं, मानो जैसे उन लोगों को मैं कोई भूत नजर आ रही थी। मैंने सबको इग्नोर कर दिया। मैंने दरवाजा नॉक किया और स्टूडेंट की मम्मी को देखकर मुस्कुराया। वो भी मुस्कुराई, लेकिन अचानक से उनकी स्माइल गायब हो गई और वो ठीक वैसे ही घूरने लगी जैसे सब लोग घूर रहे थे। मुझे लगा कि शायद मैंने आज मेकअप गड़बड़ किया है या कुछ तो और बात है। मैंने उनसे पूछा, लेकिन वो चुपचाप खड़ी थी। वो कुछ अजीब तरह से मुझे देख रही थी। तभी मैंने सुना कि मेरी स्टूडेंट मेरा नाम चिल्लाते हुए ठीक मेरी ओर भागते हुए आ रही है। मैं उसको गले लगाने के लिए काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि वो मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन वो अचानक आधे रास्ते में रुक गई और मुझे देखते ही रोने लगी। उसकी माँ ने कहा, हो सकता है कि आज वो थकी हुई हो, आप लिविंग रूम में बैठ जाइए, तब तक मैं आपके लिए डिनर बनाती हूँ। मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी और सोफे पर जाकर बैठ गई। तभी मैंने सुना कि मेरी स्टूडेंट रो रोकर चीख रही थी, मेरी मैम का सिर क्यों गायब है। ये सुनकर मैं और बिटर गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके डैड मेरे पास आए और मुझे देखकर बोले, मुझे लगता है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए, और याद रहे घर पहुंचते ही तुम अपने सारे कपड़े जला देना जो आज तुम पहनी हुई हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने सर हिलाकर हाँ बोल दिया और वहाँ से घर चली गई। घर जाने पर मैंने अपने पेरेंट्स से सब कुछ बता दिया। मेरे पेरेंट्स, जो कभी अंधविश्वासी बातों पर यकीन नहीं करते थे, वो अचानक से खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे। उन दोनों ने भी सारे कपड़े को तुरंत जला देने को कहा जो मैं उस वक्त पहनी हुई थी। जो कुछ भी उन दोनों ने कहा, मैंने वही किया। मैंने उस रात अपने सारे कपड़े जला दिए। जब मैं अपने कपड़े को जला रही थी, तभी मुझे एक अजीब तरह की स्मेल फील हुई। मैंने अपने भाई को जलते हुए कपड़े को देखने के लिए कहा, क्योंकि मैं एक गिलास पानी लेने जा रही थी, लेकिन मैं रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो 7:30 पहले ही बज चुके थे। मैंने अपने मम्मी से पूछा कि क्या हुआ था, तो उन लोगों ने बताया कि मैं बेहोश हो गई थी, इसलिए वो लोग मुझे हॉस्पिटल में लेकर आए थे। खैर, अब मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई थी, इसलिए मेरे मम्मी ने मेरे स्टूडेंट के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगी। लेकिन दूसरी चीज जो मुझे बहुत हैरान कर रही थी, जब मैंने रेडियो पर सुना कि आज स्ट्रीट में सुबह 8:30 एक शूटआउट की घटना घटी थी, और सौभाग्य से कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन वो वही स्ट्रीट थी जहाँ से होकर मैं एग्जैक्टली 8:30 अपने स्टूडेंट के घर जाती थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि मेरे स्टूडेंट मुझे बिना सिर के देखकर क्यों चीखने लगी थी, क्योंकि मेरे साथ वो घटना घटने वाली थी। अगर मैं अपने कपड़े को जला नहीं देती, तो शायद मैं भी शूटआउट का शिकार हो जाती। यदि फिलीपींस में कोई तुम्हें बिना सिर के देखता है, तो तुमको सेफ रहने के लिए एडवाइस दी जाती है कि तुम आज ही अपने पहने हुए कपड़े को तुरंत जला दो।